इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम माशरा खासकर, जैसे हुकूमतों का कहना है, हुकूमतें कहती हैं, ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि इल्मी मैदान में पिछड़े हुए हैं, लिहाजा एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा इसमें हमेशा पेश रहा है, गामजन रहा है, अपना एक मकाम बनाया है इल्मी मैदान में, वो है शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये इदारा है। बीदर से हमारे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो इसके जिम्मेदार हैं। आज सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल आज हमारे चैनल पर। बताइए कि इल्मी मैदान में एजुकेशन का जो गिरता मियार है, जो इंस्टीट्यूशंस, जो खासकर अगर कम्युनिटी बेस का आ जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, और आप जो जिस तरह से आपने एक नया रुख दिया हुआ है, इस कामयाबी के पीछे क्या वजह? जी, मिल्लत में हमारी तरजीहात को बेहतर करना एक अहम मसला है। वो कौम जिसकी इब्तिदा ही इखरा से शुरू हुई और वो तालीम के मैदान में पीछे है, पिछड़ी हुई है, इससे बुरा और क्या मामला किसी कौम के साथ हो सकता है। सही। बहरहाल हमारे तरजीहात को बेहतर करना है। अजीब बात है, यकीनन वो कौम क्यों कर तरक्की कर सकती है जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देती है। क्या कुछ लोग जो अपने औलाद की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, तरबियत नहीं करते, वो ख़ुद अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर रहे, बच्चों पर, औलाद पर जुल्म नहीं कर रहे, बल्कि पूरे माशरे के हुकूक पर दस्त दराजी कर रहे हैं, पूरे माशरे पर जुल्म कर रहे हैं। ये एहसास के साथ काम होना चाहिए और उसको बेहतर लाने के लिए तलबा की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को इदारे कबूल करना है और तालीम के साथ तरबियत एक माहौल, पाक व साफ माहौल इदारों में हो, और यकीनन एक इदारा एक इलाके की फिजा को बदल सकता है। और इदारे आज जिम्मेदारी ले लें, माहौल में जो बुराइयां हैं, तहजीब की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत, ये जो अहम तरीन उनवानात हैं, इस पर हमको अब तवज्जो देना है। क्या बात है कि उर्दू स्कूलों का मियार, असातिज़ाओं का मियार एक अपनी जगह पर, जैसा आपने एक नया मौजू छेड़ा कि जो शादी ब्याह पर जो पैसे खर्चा होते हैं, गरीब की बेटियां घरों में बैठी रहती हैं, एक तरफ करोड़ों रुपये, लाखों रुपये खर्चा किए जाते हैं और उसमें अपने आप को दीनी रहनुमा समझने वाले लोग भी शरीक होते रहते हैं, तो इस बुराई को कैसे रोका जाए? देखिए, ये बुराई फैलते फैलते फ़िलहाल अब जो है बहुत हद को पार कर चुकी है और हादसात हो रहे हैं, और आज एक आयशा की वजह से जो गुजरात में जिसने खुदकशी की, उससे मुतासर होकर पूरे मुल्क के उलमाए कराम और ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह माशरा कमेटी की जानिब से एक तहरीक चली है, 10 रोज़ा मुहिम अब चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, तमाम जमातें, तमाम इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम दानिशवर हजरात मिलजुल कर इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। निकाह को आसान और मसनून बनाने की कोशिशें हो रही हैं, मसाजिद में खुतबों में ऐलान होने की बात हो रही है, हो रहे हैं, और इकरार नामा बनाया गया है, और इकरार नामा हिंदुस्तान भर की, मुल्क भर की तमाम मसाजिद में लगाएंगे और हर महफिल में जो है उस इकरार को जो है अवाम से, सिरका से उसका इकरार करवाने की बात हो रही है, और ये अमल शुरू हो चुका है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में नौजवानों से उसका इकरार कराने की बात हो रही है। इस्तेमाल जो है इस्तकबाल रमज़ान के इस्तेमाल होने जा रहे हैं, उसमें जो है सारे सामाइन से इसका इकरार कराया जाए, कॉलेजेस में कराया जाए, और उसके अलावा दीगर इस्तेमाल में, और हर मौके पर दस्तारबंदी के मौके पर इस्तेमाल में जो है ये वो इकरारनामा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से शाया हुआ है, उसको जो है आवाम से इकरार कराएं और ये बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये निकाह जिसको मेरी सुन्नत क्या कहा गया है, अहम तरीन सुन्नत है ये, और जिससे एक नई ज़िंदगी की आगाज़ होती है, वहाँ पर सुन्नत के ख़िलाफ़ चलते हुए सुन्नत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जहाँ पर कहा गया है कि बेहतरीन निकाह वो है जो कम, जिसमें कम खर्च हो, उसको हम बदल रहे हैं, उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, यानी
ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च है। नहीं, दहेज के लिए सिर्फ मर्दों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरी तरफ अगर पहलू देखा जाए तो खासकर ख्वातीन जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा यानी कि मुलविस रहती है कि रस्म रिवाज के ताल्लुक से हो, बहू के साथ बेटी के साथ मामला अलग अलग जिस तरह से देखा जाता है एक माशरे में, तो औरतों की तरबियत की ज़रूरत है, तो हमारी तवज्जो उस तरफ क्यों नहीं हो रही? हमारी ख्वातीन माएँ बहनें जो है इस जुल्म का शिकार हुई हैं और शायद वो बदला लेना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है, ये जो है जाहिर है, और कहीं ना कहीं ये सिलसिला ख़त्म होना है। तो उसके लिए हम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि शादी अख्तियार करें और उसके लिए बैरूनी दबाव को कतई बर्दाश्त ना करें। जहाँ पे शादगी हो रहा है उसकी तायद और सताइश करें, जहाँ पे इसके बरखिलाफ़ फजूल खर्ची हो रही है वहाँ पे खुला इजहार नापसंदीदगी करें। ये हम नौजवानों से अपील कर रहे हैं। और निकाह के दिन कतई कोई खाने का इंतज़ाम ना हो, इसके लिए काम करना है। लड़के वाले अपने 200-500 साथियों को घर से साथ में ले जाकर दावत की रिमाइंड कर रहे हैं और लड़की वालों को बोल रहे हैं कि जो देना है खुशी से दे दो, अपनी बेटी को दे दो, लेकिन खाने का इंतज़ाम अच्छा करो, बड़े फंक्शन हॉल में इंतज़ाम करो। हम मियारी लोग हैं, हमारे लोग कॉन्टेक्ट बड़े बड़े लोगों से हैं, और हमको भीख में 500 लोगों का खाना खिला दो। खुल के जो है भीख मांगी जा रही है और शरीक करने वाले भी ये एहसास नहीं कर रहे कि ये मांगा हुआ खाना है और हम जाके मुस्कुरा रहे हैं। और बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च हो, और इस बदतरीन अमल में जाकर खुश मुबारकबाद देना, खुशी का मुजाहरा करना, उसमें महजूज होना, वहाँ पर लुत्फानंदोज़ होकर खाना वहाँ जमा होना यकीनन गुनाह है। इससे परहेज करना चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए, और शादी को आसान से आसान कम से कम खर्च में होना चाहिए। और वलीमे के दिन भी यही मामला हो रहा है। कोई अगर आपको शक है कि वो लड़की वालों से कुछ पैसा लिया है तो यकीनन वो पैसा वलीमे में लगा रहा है, और उस वलीमे में जाकर खाना भी यकीनन, मैं अपने हद तक ये बताऊंगा कि यकीनन गुनाह है, ना गैर महज़ब अमल है ये वलीमे के, वो वलीमे का खाना जिसमें गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता, वो खाना यकीनन बदतरीन खाना है। वलीमे को सादगी के साथ करें और गरीबों का ख्याल रखते हुए मसनून तरीके से कम खर्च में दिखावे से बचते हुए, फजूल खर्ची से बचते हुए वलीमा होना चाहिए। नहीं, कौम जो है एक बुराई की तरफ जिस तरह से लपक कर जा रही है, अपने तमाम हदूद को पार करती नजर आ रही है, बुराइयों को बुराई को बुरा नहीं समझा जा रहा, बल्कि उसे जो है ये एक आजकल चल जाता है इस तरह का जो माहौल है, और उसी के पस मंज़र में आज अगर कम्युनिटी का हाल देखा जाए तो चारों तरफ से जिस तरह से हम पीटे जा रहे हैं, तो ये जो सरकश बनती जा रही है कौम, इसको कैसे शुरुआत किया जाए? कहीं से जिस तरह से बिखरी हुई कौम, इसको समेटने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, कोई आसान रास्ता नहीं आ रहा। तो इसके लिए वो तीनों दर्जे के लोग जो हैं, तीन मराहिल में लोग होते हैं। एक हैं दानिश्वर हजरात, उलमा इकराम, यकीनन ये जो है तय कर लें कि जहाँ कहीं भी सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है हम शिरकत नहीं करेंगे, और शिरकत से बायकॉट करना ही एक हल है। और हम जो है वो क्यों कर बनाएगा खाना जबकि लोग शिरकत करना बंद कर देंगे, ख़ास तौर पर उलमा इकराम और ज़िम्मेदार हजरात जो है इस पर उसको बायकॉट करें। जहाँ कहीं भी जो है उसूल के ख़िलाफ़ जा रहा है तो वहाँ पे शिरकत ना करें और खुल कर इसका इजहार करें, नापसंदीदगी करें। दूसरी तरफ है साहिब असर लोग, साहिब असर लोग जो है अगर इसका बायकॉट करेंगे तो बाकी ये तीसरे दर्जे के लोग जो हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो मानना शुरू करते हैं, वो इंशाल्लाह ये बुराई ख़त्म होगी। और उसके लिए एक माहौल बनाना है, मुसलसिल कोशिशें होना है, और ये इकरारनामा हर नौजवान तक पहुँचे, हर मस्जिद में लगे, उसके लिए लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। इकरारनामा हिंदुस्तान भर में पहुँचाने के लिए एक नज़्म बनाया जा रहा है, और हर स्टेट में 5,000 बोर्ड मस्जिद में लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए हम सब मिलकर इस बुराई को दूर करने के लिए कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर कदीर साहब, शाहीन इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदार। उन्होंने इल्म के मैदान में जिस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो अहम मसाइल की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि शादियों में जिस तरह से
पैसों की बर्बादी हो रही है, फिजूल खर्ची हो रही है, और जिस वजह से आज माशरे में जना आसान और निकाह मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा उन्होंने बेबाकी के साथ यही बात कही कि सख्ती से जमातों को, जिम्मेदारों को, इल्मी दानिशों को उन लोगों का बायकॉट करना होगा, वरना ये जो है इस तरह से अच्छी बातों से ये राह रास्त पर नहीं आने वाले, बल्कि इन पर सख्ती करना लाजिम है। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।